Shahuji, you started your career as a technical person. Yes, sir. And then what a journey. And now you are an actor. You became a director as well. You produced as well. You did a lot of things. So how you are handling everything? सच्ची बात पूछ रहे हैं नवीन भाई, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे हैंडल किया। मैंने एक चीज सीखी थी अपने वाले साहब से, और वो कहते थे कि अपने आप को उस दरिया में डाल दो जो अल्लाह बाहर है, तो गो विद द फ्लो। मेरी सिर्फ एक ही पॉलिसी रही है लाइफ में, जो चीज ऑफर होती है उसमें दो चीजें देखने वाली होती है, स्क्रिप्ट अच्छा हो या पैसे अच्छे हो। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। तो उसी में चलता रहा सारी जिंदगी, अल्लाह पाक ले आया। कब एहसास हुआ कि एक्टिंग भी कर सकते हैं? मैं तो आया टेक्निकल काम करने था, डायरेक्शन करने आया था, ये एक्टिंग का किसने कीड़ा डाला? ये कुदरत ने, और ये मुझे पता था बचपन से, क्योंकि था अंदर एक एक्टर। क्योंकि इतना पुराना डेब्यू नहीं है, 18 साल इज नॉट अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली। 2002 में आपने अपना डेब्यू किया था एक्टिंग करियर में, स्टार्ट जो किया था तो 2002 था, लेकिन वैसे मैं 97 में आया। आप ऐसे लेकिन आए एज अ टेक्निकल बंदे थे ना? हाँ, वो मुझे हेल्प रही ना, इवन जब आपने टेक्निकल काम पीछे किया हुआ हो, कैमरे का पता हो, लाइट से आपकी ऑलरेडी दोस्ती हो चुकी हो, साउंड आपको पता हो, ये सारी चीजें वो टेक्निकल काम करने से मुझे पता चल गई। फिर जब एक्टिंग शुरू की तो मुझे बेसिक्स पता थी और थोड़ी मेहनत करनी थी, तो अल्लाह पाक अता करता चला गया। बट आर यू हैप्पी विद व्हाटएवर यू डू? यस, ओ यस, 100%। वेलकम बैक टू जी सरकार। हमारे सेक्टर को भी तो इफेक्ट किया है शहूद भाई इस दौरे। मैं सरकार के सामने इसलिए आपको बिठाया क्योंकि आप एक मेरे से ज्यादा जहीन आदमी है। ये बात आपकी ठीक है। ये एक्चुअली कोविड से भी पहले अगर हम चले जाएं कुछ अर्सा कबल, तो इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद कुछ टैक्सेस थे जो उन्होंने एड ऑन कर दिए थे हमारी फील्ड से रिलेटेड लोगों पे। जो प्रोड्यूसर था वो ऑलरेडी जितने मुनाफे में काम कर रहा था, तो उसको उसमें से शेयर देना पड़ गया गवर्नमेंट को उस टैक्स की वजह से। तो उसने क्या किया कि वो लोड खुद लेने के बजाय उसने वो लोड ट्रांसफर कर दिया नीचे जितने लोग काम कर रहे थे। काम करते प्रोड्यूसर तो उसी सेम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में रहा, लेकिन बाकी जितनी नीचे हमारी टीम थी, हमारे लोग थे, ये सब इफेक्ट हुए। उस पर करनी ये हुई कि वो कहते हैं ना कि एक बुराई आई सारी साथ आती है, सॉर्ट ऑफ कोरोना आ गया, कोविड की वजह से हालात खराब हुए, और उसकी वजह से हमारा काम जहाँ सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ, तो ठीक है उसका हम इल्जाम नहीं दे सकते कि पूरी दुनिया में ही आया, लेकिन वो हम पे डबल इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि हम पहले टैक्स की वजह से मारे जा रहे थे, पेमेंट्स कट ऑफ हो रही थी। कोरोना का रोना ये हो गया कि जो भी कॉल आती थी, यार कोरोना है देख लें, कोविड है, 10 का काम 5 में कर लें, प्लीज करना है तो कर लें, नहीं करना तो देख लें, ये भी नहीं मिलेगा। ये बहुत सुनने को मिला कोरोना में, लोग चेन रिएक्शन होता है ना, तो वो जाके एंड ऑफ द डे उसका लोड जो आया वो सब स्टाफ पे, एक्टर्स पे, जो जो लोग काम करने वाले थे सब पे आया। तो ये हालात तो ठीक है हमने भी देखे। हाँ, अब जब कोविड का जोर कम हुआ तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को वापस सोचना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स को कैसे फैसिलिटेट करें, स्पेशली प्राइवेट प्रोड्यूसर को जो खत्म ही हो गया तकरीबन। अब हम सिर्फ चैनल के मोहताज रह गए, बिल्कुल ऐसे चैनल कर रहा है या चैनल का प्रोडक्शन हाउस कर रहा है, इन हाउस चला गया, तो वो प्रोड्यूसर खत्म हो गया, उसको थोड़ा सा किस तरह फैसिलिटेट करें और किन शराइत पे करें कि अपने बाद वाले लोगों को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि वो बजट जो पहले कट हो चुका था वो वापस रिवाइव हो। ठीक है, फिर कुछ एग्रीमेंट्स का भी हवाला था। शाहू साहब के कहने का मतलब है कि कुछ सेक्टर्स में आपने अगर टैक्स बढ़ाया है तो कुछ में आपको रिलीफ भी देनी चाहिए, जैसे हम जैसे लोग भाई। इवन आई एम सॉरी टू कट यू नुमान भाई, आप अंदाजा लगाएं कि टीवी जो हमारा है ये इंडस्ट्री नहीं है। जब इंडस्ट्री नहीं है तो हमारे साथ बहुत सारे मसाइल ऐड हो जाते हैं। हम जैसे लोगों को बहुत सारे काम करने के लिए लोन चाहिए होते हैं, कभी घर बनाना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो एक्टर सिर्फ एक्टिंग के पैसों से कभी घर नहीं बना सकता, सही बात, ये टेक्नीशियन नहीं बना सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो और हालांकि ये कौम वो है जो 100% टैक्स पेयर है ऑलमोस्ट, हमारा बगैर मांगे, बगैर मांगे हमारा देने वाले, बिल्कुल बिल्कुल, हमें मिलते ही कट के, चाहे भी तो नहीं छुपा सकते क्योंकि हम प्रोमिनेंट लोग हैं। ये इस चीज पर इस गवर्नमेंट, और सबसे पहले हमारे ही गिरबानों को हाथ पड़ता है, ये भी मैं आपको सच्ची बात जो नजर आ रहे हैं नहीं, इसमें नुमान भाई बात ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मेरी हमदर्दी आपके साथ, इसमें ये भी साथ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर रहा हूं, मैं उस पर ये कर रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब हमारे जो बैतुल माल का हिसाब बना लो, फवाद चौधरी आपकी आपकी तलाक के लिए अर्ज है, आपको पता ही होगा कि इस वक्त हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फोकस किए हुए हैं कि जी हम लोग जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या हमारे टीवी है उसको उसको हम ऐसी ऐसी प्रोडक्शन दें या ऐसे उसमें इन्वेस्टमेंट करें कि जिस तरह आप जैसे जो सीजन लोग हैं उनको हम ऊपर लेके आए और वो प्रोड्यूस करें। इस पर इस हुकूमत ने बड़ा फोकस किया हुआ है, पिछले माह में एक मीटिंग भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उसमें बाकायदा इस चीज़ को उजागर किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस ये है कि हम जो कॉपी
जो पिछले दौरों में गुजरे ना, कॉपी करते थे हम, मतलब बॉली को, होली को, वो उसकी बजाय हम जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, देखें जितने आप रियल इश्यूज प्रोड्यूस करेंगे उतना आपका व्यूअर बढ़ेगा, उतना आपको जो है ना वो आप आपके लिए ऊपर इन्वेस्टमेंट हो। डिस्टर्ब नहीं करना चाहते आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वजीर आजम साहब ने जो कहा ना, उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी हिस्ट्री को लेकर, बिल्कुल सही। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एक इश्तेहार नहीं मिलना और वो बनाना आसान काम नहीं है। वो एक कॉस्ट्यूम प्ले की बात कर रहे हैं, ये भाई बैठे हैं ये भी टेक्निकली क्या कहेंगे सरकार इस हवाले से, टेक्निकल चीजें तो यही करेंगे। आप दोनों का काम इस वक्त सिर्फ पता क्या है, सरकार बैठी है, सिर्फ जी सरकार का असल में मौका मिल गया है तो कह लेने दे। तो आपने कॉपी की बात की, बड़ी मुनासिब सी बात थी, ऐसा हुआ है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि तब हुआ है जब हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था चैनल्स को कि आप इंडिया से और आप बाहर से ड्रामे मंगा के यहाँ दिखाएं। अपनी इंडस्ट्री को मारने के लिए पहला कदम ही हमारी गवर्नमेंट ने उठाया था। तो यहाँ का जो प्रोड्यूसर था उसने कहा अच्छा ये चीज देखी जा रही है, इसको रेटिंग आ रही है, तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं। ये वो दौर था जिसमें मजबूरी में कॉपी किया गया, अदरवाइज हमारा टीवी पीटीवी अगर आप उठा के देखें, हमारे काम जैसे तो काम पूरे एशिया में कहीं नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। ये तो बीच में हमारा पूरा, इसमें कोई शक नहीं है नुमान भाई। हम जब पीटीवी देखते थे ना उस वक्त, देखें इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके ड्रामे और उनके नाटक देखते हुए हंसी आती थी कि यार ये क्या लोग हैं। और हमारे जो मतलब इंडियन व्यूअर्स थे उनके कमेंट्स आते थे, इंडिया कहता था कि जी काश के हमारे जो लोग हैं वो इस किस्म के ड्रामे बना सकें। मतलब इससे ऐसे ऐसे लेजेंड ड्रामे जो है ना आपने बनाए हैं, जिस अदारे को फंडिंग होती है या अदारा तश्कील दिया जाता है, वो अदारा फिर जनरेट करने के लिए अपना भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो ऐसा कोई प्लान बना कभी? देखिए अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं हुआ। बैतुल माल की अपनी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, है ही नहीं। हम रेंट पे, हमारे ऑफिस हैं रेंट पे, हर शहर में रेंट पे हमारा ऑफिस है। अब आके जो है ना इस गवर्नमेंट में जब मतलब मैंने जब चार्ज संभाला है, अब हमने जो है वो अपने इस्लामाबाद में अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उनके बिन वेरी काइंड, उन्होंने जो है ना वो एक CDA के जरिए जो है ना हमें कुछ जो है ना प्लॉट्स दिए हैं जिसपे हम अपने मॉडल पनाहगाहें बनाएंगे, उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे अपने ऑफिस भी बने। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कोई बिजनेस या ऐसी कोई होना चाहिए मछली पकड़ना सिखाना चाहिए ना कि खाना सिखाना चाहिए, है ना? सर नुमान सर, मेरा तो इनको ये मशवरा होगा कि बजाय कि लोगों को ज़कात उस पे या मुफ्त खाने पे लगाने के, अगर हुकूमत कोई काम करना चाहे तो मैं तो कहूंगी लोगों को हुनर सिखाना शुरू करें। मैं कहना ये चाहूंगा कि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, वो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर हमारे हैं जहाँ पर हम खवातीन को स्किल सिखाते हैं, उनको एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं, उनको हम स्टिचिंग सिखाते हैं, उनको हम ब्यूटिफिकेशन सिखाते हैं। अब आते साथ ही हमने उनको टैब्स दिए हैं ताकि जदीद जो अलूम है उनको नॉलेज हो। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वहाँ पर हमारे हर साल 20,000 से 25,000 जो हमारी वुमेन हैं वो पास आउट हो रही हैं, और वो पास आउट होने के बाद वो अपनी स्किल के जरिए जॉब ले रही हैं, या अगर कोई गरीब है तो वो अपने घर पे बैठ के अपने ड्राइंग रूम पे वो अपना कारोबार कर रही हैं। और उनको हम स्टाइपेंड भी देते हैं, हम उनको खर्चा भी देते हैं जब वो ट्रेनिंग ले रही होती हैं। और ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इस पर जो इस पर मैं मजीद खेतों में से नमक चुन लिया ना कर यार। अरे सही करी, चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है सर, चाइनीज अपने बच्चों को देख कर बोल रहे होते नहीं नहीं मेरा नहीं चाइना का है, ये मेरा नहीं है चाइना का। एक बात मैं सरकार की जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस प्रोग्राम की वसीले से, कि एक इंजेक्शन होता है जो गालिबन कैंसर के लिए होता है LP, और 2,00,000 रुपया उसकी कीमत है। जो पिछली लोग गुजरे हैं बैतुल माल के रुए रवा, उन्होंने सालों ने अपने कोटे में से डाल के वो दिया, लेकिन सरकार ने मेरिट पे तकसीम किया है जिन जिन को रखा है। जो चीज अप्रिशिएट करने वाली है ना वो जरूर करनी चाहिए, और बहुत सारी कौम थैंकफुल भी है। सही साहब, देखिए मेरा क्यों, देखें ये मेरा तो पैसा नहीं है, ये गरीबों का पैसा है, आपने तो इंश्योर करना है कि जी उनको आप सही लोगों नहीं सर, ये सोच भी आनी आनी चाहिए सर। मैं हैरान हूँ आप 23 करोड़ का हिस्सा नहीं है सर। बिल्कुल